हमारे देश ही क्या पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। जहाँ हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वहाँ हमें पर्यावरण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पेड़ पौधों की ज़रूरत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन वहीं अगर हम पेड़ पौधे लगाना बंद कर दें या जो लगे हुए हैं उन्हें हम काटना शुरू कर दें या बर्बाद कर दें, तो जो विकराल रूप हमारी धरती धारण करेगी उसके जो परिणाम होंगे वह हम और आप भली भांति जानते हैं। उसी पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ में आदिल साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका माइनॉरिटी न्यूज़ में। क्या कहना है, आप क्या मैसेज लेकर आए हैं पूरी दुनिया के सामने? हम यही मैसेज लेकर आए हैं कि अमेजोन फॉरेस्ट को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारी दुनिया में हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त, और इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया जाए। आप लोग अपना जो भी इश्यूज़ है, बाकी जितने भी इश्यूज़ पे लड़ते रहिएगा, लेकिन अगर आप लोग खुद ही बचिएगा नहीं तो फिर लड़िएगा क्या? क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुनिया के अंदर लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? दुनिया के अंदर यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएं, और इस अमेजोन जंगल में जो आग लगी है उसको जल्द से जल्द रोका जाए, और जो आग लगा रहा है उनको तुरंत पकड़ करके और कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं कि इसमें कोई साजिश है, क्या मामला है? आपने बताया कि आग को रोकना चाहिए, क्या तरीके हैं जिससे हम रोक सकते हैं? हाँ, जैसे कि ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट नाम ही है इसका, तो ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड में नेचुरली बहुत बार आग लगती है, लेकिन वो कुछ घंटों में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बट सिंस ये आग कंटिन्यूसली कितने दिनों से लग रही है, तो ये कोई मतलब कोई ओपिनियन नहीं, ये एक फैक्ट है कि ये आग लगाई जा रही है ऊपर से, और इसके पीछे बहुत लोग, ये सब जगह न्यूज़ में है। ज़मीनी मामले वहाँ की अपनी राजनीति है, और कॉरपोरेट का क्या नेक्सस है ये अब इसके ऊपर, अब आप सभी लोग इसके बारे में भली भांति जानते हैं। भारत के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दों पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन आप लोग इस मामले को लेकर आए तो क्या सबसे बड़ा विश्व यानी कि मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं? हाँ, ये मानव जाति के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में जो लिविंग थिंग्स, इनफैक्ट अमेजोन में 10% इकोलॉजिकल बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, तो विश्व में मानव जाति के अलावा भी बहुत सारे स्पीसीज़ के ऊपर ही खतरा है ये, तो ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। बाकी किसी भी मुद्दे से सबसे बड़ा संकट ये दुनिया का है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल दुनिया का कम हो जाएगा तो सबसे पहले जैसे कोई स्मोक कर रहा हो या कुछ हो तो वो लोग मरने शुरू हो जाएंगे, फिर किसी का लंग का डिजीज़ होगा वो लोग मरने लगेंगे, और उसके बाद अचानक से जब मरने लगेंगे तो फिर हम लोग कुछ बहुत देर हो जाएगा फिर उस टाइम में स्टेप्स लेने का। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस इशू को बहुत ही सीरियसली लीजिए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, ताकि ये ब्राज़ील, क्योंकि अमेजोन का 60% हिस्सा ब्राज़ील के अंदर आता है, तो ब्राज़ील के सरकार पर दबाव बन सके कि वो इस पर कार्रवाई कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल। तो जैसा कि इस वक्त आप लोग समझ सकते हैं कि भारत नहीं, विश्व के अंदर सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन और पर्यावरण का है, और अगर हम पर्यावरण को पीछे छोड़ देंगे तो बाकी मुद्दे सफ़र करने लगेंगे, और यहाँ तक कि पूरी मानव प्रजाति तो ख़त्म होनी है, और उसके बाद में पूरा विश्व भी एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। शायद आप इस अलार्म को, इस घंटी को समझ नहीं पा रहे हैं जिससे पहले कि ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाए और पृथ्वी का विनाश हो जाए। जागिए, आँखें खोलिए, बाकी मुद्दों को पीछे छोड़कर पहले अपने देश के पर्यावरण को बचाना आपका सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। इसीलिए दिल्ली के लोग देश की राजधानी के अंदर इस आवाज़ को पहुँचे हैं कि विश्व के लोग पर्यावरण को सबसे बड़ा संकट मानते हुए उसका बचाव करें। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं आसिफ खान, दिल्ली के जंतर मंतर से माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए।